हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल सत्यम तिवारी। सो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने भी स्टूडेंट बीटेक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किए थे या वो विड्रा कर चुके, अगर वो विड्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ी रिफंड का पॉलिसी जो है नोटिफिकेशन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। दोस्तों अगर बात करते हैं क्या नोटिफिकेशन, दोस्तों अगर बात करें तो जितने भी स्टूडेंट जो है फ़ी रिफंड के लिए अप्लाई किए यानी कि अपना सीट को विड्रा करते हैं उनके लिए जो है फ़ी रिफंड का जो है डेट लास्ट डेट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है। तो अंडर ग्रेजुएट की बात किया जाए तो दोस्तों 30 सितंबर से पहले जो विड्रा कर लेगा उनका जो है लास्ट डेट जो है, अगर 30 सितंबर से पहले आपने विड्रा किया है तब आपको अंडर ग्रेजुएट का जो है फी रिफंड तभी आपको किया जाएगा। दोस्तों वही बात करें 14 अक्टूबर लास्ट डेट है बीटेक वालों के लिए, जो जितने भी स्टूडेंट बीटेक के लिए अप्लाई किए उनका जो है लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। अगर 14 अक्टूबर से सीट को विड्रा नहीं करते हैं तो उनका फी रिफंड नहीं किया जाएगा। दोस्तों वही जो है 14 अक्टूबर पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। दोस्तों जितने स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक, दोस्तों जितने भी स्टूडेंट 14 अक्टूबर से पहले सीट को विड्रा करेंगे उन्हीं का जो है फी रिफंड किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक वालों का। सो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का जो है डेट निकल चुका है तो उनका रिफंड नहीं हो पाएगा अब जो विड्रा करेगा। सो दोस्तों ये जो है आप ध्यान रखना है कि आपको 14 अक्टूबर से पहले आपको सीट विड्रा करेंगे तभी आपको जो है फी रिफंड मिलेगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा। सो एडमिशन फीस विड्रॉल डन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी कस्टम इंसेस। जो भी डेट दिया गया है दोस्तों उससे उसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई भी फी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो ये सब चीज़ें आपका इंक्लूड नहीं होगा, जैसे सीएसएस पोर्टल का अप्लीकेशन फीस जो लगा था, मिड एंट्री फीस जो लगा था और विड्रॉ फीस, दोस्तों ये जो है आपका रिफंड में आपका इंक्लूड नहीं होगा। सो दोस्तों ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिफंड पॉलिसी जो कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 29 को। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए। थैंक यू।